आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। एक और राहुल गांधी कह रहे हैं मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। दूसरी ओर भारत की 125 करोड़ जनता है जिसने प्रण लिया है सारे विश्व तक मेड इन इंडिया की शक्ति पहुंचाने का। इसलिए तो आज भारत का डिफेंस सेक्टर मेड इन इंडिया वेपन का एक्सपोर्ट कर रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक का सबसे अधिक 1600 करोड़ का हथियार और गोला बारूद दुनिया भर के देशों को निर्यात किया है। क्या आप जानते हैं एक वक्त भारत चीन से बने खिलौने का बड़ा इंपोर्टर था, लेकिन मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के फॉर्मूले से आज की स्थिति में खिलौने की आयात में 70% की गिरावट और निर्यात में 61% की वृद्धि हुई है। दुनिया भारत में बने खिलौनों से खेल रही है। मोदी जी के नेतृत्व में ऑटोमोबाइल कंपनियों में भी तेजी दिख रही है। आज भारत में बनी कारों की दुनिया भर में मांग है। वित्त वर्ष 2022 में भारतीय ऑटोमोबाइल का निर्यात लगभग 36% तक बढ़ा है। इतना ही नहीं, आज एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां भारत में अपने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज भारत में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के मोबाइल फोन दुनिया भर में निर्यात हुए हैं। आज भारतीय यूपीआई पर दुनिया के कई देश अपना विश्वास जता चुके हैं। भारत में बने ड्रोन की डिमांड तेजी से बढ़ी है। और तो और, महामारी के वक्त भी भारत में बनी 2 वैक्सीन की दुनिया भर में मांग थी। आज भारत में ही दुनिया के 70% जेनेरिक दवाई का निर्माण हो रहा है। ये पीएम मोदी के ही नेतृत्व का कमाल है कि हम मेड इन इंडिया उत्पादों के जरिए नित नए आयाम छू रहे हैं।